हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्री ब्रॉन्टे सिस्टर्स के बारे में, जो विक्टोरियन एरा में बहुत ही ज़्यादा अच्छे वर्क्स लिखने की वजह से फेमस हैं। तो हमने बहुत से मेल राइटर्स के बारे में डिस्कस किया है विक्टोरियन एज के, तो हम आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे जो फीमेल राइटर्स हैं। फीमेल राइटर्स का फीमेल्स का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर को विक्टोरियन एज में। लेट्स स्टार्ट थ्री ब्रॉन्टे सिस्टर्स। थ्री ब्रॉन्टे सिस्टर्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैं चार्लेट ब्रॉन्टे, जो 1816 से लेके 1855 तक था इनका टाइम ऑफ पीरियड। एमिली ब्रॉन्टे 1818 से लेकर 1848 तक का इनका टाइम ऑफ पीरियड। नंबर थर्ड पे एन ब्रॉन्टे 1820 से लेकर 1849 तक है इनका टाइम ऑफ पीरियड। तो दे मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश नावल ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा। तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा गुड एंड बहुत ही नोटेबल कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश नावल्स को तो विक्टोरियन एरा में, अर्ली पार्ट में विक्टोरियन एरा के बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश नावल्स में। The three sisters represent the stormy sisterhood that the passion in English fiction. तो ये तीनों फिक्शन लिखने में, मतलब इनका पैशन था, ये फिक्शन नहीं लिखती थी, नॉवल्स ही लिखती थी। इनको स्टॉमी सिस्टरहुड भी बोला जाता है तीनों को। They were not interested in the portrayal of a social life. तो ये अपने नॉवल्स में सोसाइटी के पोर्ट्रियाल यानी कि उनका रिप्रेजेंट नहीं करती थी सोशल लाइफ का। Rather they choose to study the feminine heart and presented the woman's point of view in their fiction. तो इन्होंने अपने नॉवल्स में स्टडी दिखाई है फेमिनाइन हार्ट यानी कि उनके साइकोलॉजी दिखाई है इन्होंने अपने वर्क्स में, वुमेंस के पॉइंट ऑफ व्यू अपने फिक्शन में इन्होंने शो किए हैं। दे इनागोरेटेड अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द हीरोइन इन इंग्लिश फिक्शन। तो जैसे सभी जो राइटर थे पहले हीरो यानी कि मेल ही हीरो होता था किसी भी नावल में, मगर इन्होंने जो अपने फिक्शन में नावल्स में हीरोइन की एक न्यू कंसेप्ट लेके आई है, एज अ वुमेन ऑफ अ वाइटल स्ट्रेंथ एंड पैशनेट फीलिंग। तो जो इनकी नावल्स में हीरोइन होती थी वो उसमें बहुत ज़्यादा वाइटल स्ट्रेंथ एंड पैशनेट फीलिंग शो की है इन्होंने अपनी हीरोइन में। द प्लॉट ऑफ दियर नावल्स आर कम्प्लेक्स एंड ऑफन फॉर्मलेस एंड इन मैनी केस दे लूज एंड एन एपिसोड्स। प्लॉट की अगर देखें इनके नावल्स का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते थे, कॉम्प्लिसिटी होती थी इनके और फॉर्मलेस होते थे इनके नावल्स, मगर मैनी केसेस में हम ऐसा भी देखने को मिलता है कि इनके कब लूज हो जाते थे बिल्कुल एंड में और एपिसोड्स इनके। बट दिस डेफिशिएंसी, चाहे ये एक कमी है उनके राइटिंग की, इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर प्लॉट दे मेक अप बाय देयर करेक्टराइजेशन। तो फिर भी उन्होंने करेक्टराइजेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छा ध्यान दिया है अपने नावल्स में। द ब्रॉन्टे सिस्टर पोइटाइज्ड द इंग्लिश नावल्स। पोइटाइज्ड मीन्स यानी कि पोइट्री का बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया है अपने नावल्स में इन्होंने, पोइटाइज्ड किया है इन्होंने इंग्लिश नावल्स को। सो चार्लेट ब्रॉन्टे सबसे जो एल्डर हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चार्लेट ब्रॉन्टे का बर्थ होता है 21 अप्रैल 1816 को और डेथ होती है 31 मार्च 1855 को। वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोइट। नॉवलिस्ट हुए, नॉवल्स भी लिखी हैं और पोइम भी लिखी है इन्होंने। द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री ब्रॉन्टे सिस्टर। तो ये सबसे बड़ी थी तीनों में से। हु सर्वाइव इन टू द अडल्टहुड एंड हुज नावल बिकम अ क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इनके नावल्स में हमें क्लासिक्स देखने को मिलती है इंग्लिश लिटरेचर में, इनके नावल्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो ये भी जैसे हमने बात की थी ना पहले, जो जॉर्ज एलियट थी वो एक पेन नेम यूज़ कर रहे थे, मैरी एन एवांस थी जो वो अपना पेन नेम यूज़ कर रही थी जॉर्ज एलियट, तो ये भी चार्लेट ब्रॉन्टे थी जो अपने वर्क में मेल पेन नेम यूज़ कर रही थी। जैसे इन्होंने अलग अलग पेन नेम यूज़ किए हैं, जैसे लॉर्ड चार्ल्स एल्बर्ट, फ्लोरियन वेल्सले एंड करर बेल, ये अपने वर्क्स में ये पेन नेम यूज़ करती थी। तो हर फर्स्ट नावल, इनका फर्स्ट नावल है द प्रोफेसर, जो एक ऑटोबायोग्राफिकल है टोन में। द कैरेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम हर पर्सनल एक्विस्टेंस।
तो ये ऑटोबायोग्राफी है एक, दो प्रोफेसर भी ये एक जो वर्क है ऑटोबायोग्राफिकल इन टोन, नॉट प्रॉपर ऑटोबायोग्राफी है, मगर जो करेक्टर्स हैं जो इनके पर्सनल लाइफ से ही इन्होंने लिए गए हैं। जेन आयर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, तो ग्रेटेस्ट वर्क है, एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफिकल है, एंड रिवील्स द लव स्टोरी ऑफ अ चार्लट, तो चार्लट की एक लव स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, रिवील करता है। इट कंबाइंस रियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म, इसमें रियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म दोनों का कम्बिनेशन दिखने को मिलता है जेन आयर में, जो चार्लट ब्रॉन्टे ने लिखा है। हर लास्ट नॉवल इनका लास्ट नॉवल है वेलिटा, इज़ अ डायरेक्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, ये डायरेक्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था इनका वेलिटा, चार्ल्स ब्रॉन्टे का। नेक्स्ट एमिली ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, जो सेकंड नंबर पे आते हैं। एमिली जेन ब्रॉन्टे का बर्थ हुआ था 30 जुलाई 1818 में और डेथ हुई थी 19 दिसंबर 1848 में, वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोइट, ये भी एक नॉवलिस्ट एंड पोइट थी, पोइम्स भी लिखी हैं और नॉवल्स भी लिखे हैं। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर ओनली नावल, तो ज़्यादातर इनका जो फेमस नावल है तो एक ही नावल है, वुदरिंग हाइट्स, नाउ कंसिडर्ड एज अ क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वुदरिंग हाइट इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है जो एमिली जीन ब्रॉन्टे ने लिखा है। शी ऑल्सो पब्लिश्ड वन बुक ऑफ अ पोइट्री, तो इन्होंने पोइट्री की बुक पब्लिश की है विद हर सिस्टर्स चार्लट एंड एन, टाइटल पोइम्स बाय अ करर एलिस एंड एक्शन बेल विद हर ऑन पोइम्स फाइंडिंग रिगार्डेड एज अ पोइटिक जीनियस। तो हमने बात की थी करर, करर ये चार्लट अपने एज अ पेन नेम यूज़ करती थी, एलिस ये एमिली यूज़ करती थी अपना पेन नेम, और एक्शन बेल जो इनकी थर्ड सिस्टर है एन ब्रॉन्टे वो यूज़ करती थी। ओके तो एमिली वॉज द थर्ड एल्डेस्ट ऑफ द फोर सर्वाइविंग ब्रॉन्टे सिबलिंग बिटवीन द यंगेस्ट एन एंड हर ब्रदर ब्रेनवेल, तो इनका एक ब्रदर भी था उसका नेम था ब्रेनवेल, वो भी आपको याद करना चाहिए। तो ये थर्ड वन थी, सर्वाइव फोर्थ इनके एल्डेस्ट, द थर्ड एल्डेस्ट ऑफ द फोर सर्वाइविंग, फोर सर्वाइव कर रहे थे, इनके डेथ भी हो गई थी इनके दो सिस्टर्स की, तो ये यंगर थी, इससे यंगर थे एन और इनके, इनका जो ब्रदर है ब्रेनवेल। She published under the pen name, तो अपने कौन से pen name के under अपने publish करती थी work, Alice Bell, इनके बारे में ये रहा। Next करते हैं Anne Bronte के बारे में, Anne Bronte के बारे में discuss करेंगे। Anne Bronte का birth हुआ था 17 जुलाई 1820 से लेकर, इनकी death हुई थी, time of period इनका डेथ हुई थी 28 मई 1849 को, वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोइट, ये भी एक नॉवलिस्ट और पोइट थी, यंगेस्ट मेंबर ऑफ द ब्रॉन्टे लिटरेरी फैमिली, यानी कि तीनों में से सबसे छोटी है ये एन ब्रॉन्टे। शी रोट अ नॉवल नेम्ड द टेनेंट ऑफ अ वाइल्डफेल हॉल, तो इन्होंने सिर्फ एक ही नॉवल लिखा है, वो है द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, तो दिस इज ऑल अबाउट एन ब्रॉन्टे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, अगर आपको ये अच्छी लगी है तो भी मुझे कमेंट में बताना और लाइक का बटन दबाना, अगर आपको कोई भी कमी लगती है, इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ वो भी आप बताओ, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप